गाइस दिस इज आशीष और आप देख रहे हो टेक फार्मर। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं एरो ओएस के बारे में, जो हम लोग मैक्स M1 के लिए यहां पे आ चुका है। सो मैंने इसको ऑलमोस्ट 1.5 दिन तक यूज करा है और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इसके इंस्टॉलेशन के बारे में और साथ साथ इसके एक शॉर्ट रिव्यू के बारे में। तो ज्यादा वेस्ट करते हैं, चलो बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। सो यहाँ पे आप लोग को रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ क्या क्या चाहिए। तो आप लोग को एक मैक्स M1 चाहिए जिसका बूट लोडर अनलॉक्ड होना चाहिए। सेकंड, यहाँ पे आप लोग को TWRP नहीं तो कोई भी कस्टम रिकवरी चाहिए अपने फोन के ऊपर। थर्ड, आप लोग को एक SD कार्ड चाहिए जिसके ऊपर नॉर्मली 8 से 10 GB खाली रहना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग अपने बैकअप और साथ साथ इंस्टॉलेशन फाइल्स को रखेंगे। और फोर्थ, यहाँ पे अपने इंटरनेट स्विच का भी बैकअप ले लेना। तो ज्यादा वेस्ट करते हैं, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी गाइस, ये मेरा ZenFone Max M1 जो भी चल रहा है स्टॉक पाई बीटा के ऊपर, और अब हम लोग इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं एरो ओएस को। तो यहाँ पे आप लोगों को इंस्टॉलेशन के लिए कौन कौन सी फाइल्स चाहिए वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो डाउनलोड करना है फर्मवेयर पाए, तो फिर ये ज़रूरी है अगर आप लोग को अपने फ़ोन के ऊपर नेटवर्क चाहिए तो, क्योंकि अगर आप लोग इसको फ्लैश नहीं करोगे तो आप लोगों का यहाँ पे सेम या फिर कुछ भी काम नहीं करने वाला। तो बेटर ये रहेगा चाहे जिस किसी के ऊपर भी हो, आप लोग ओरियो के ऊपर या फिर आप लोग पाए के ऊपर या फिर आप लोग एंड्रॉयड 10 के ऊपर हो, आप लोग को ये फर्मवेयर फ्लैश करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, आप लोगों को फाइल यहाँ पर डाउनलोड करनी है एरो ओएस की फाइल। तो इसके अंदर आप लोग गैप्स इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर आप लोग सेपरेटली डाउनलोड करने होंगे गैप्स। तो यहाँ पे ओपन गैप्स में साथ जा रहा हूँ और इसका आर्किटेक्चर आप लोगों को ARM64 डाउनलोड करना है। वेरिएंट आप लोग किसी के साथ भी जा सकते हो, नैनो नहीं तो पीको। और एंड्रॉयड के अंदर आप लोगों को सेलेक्ट करना है एंड्रॉयड 10, तो फिर ये आप लोगों को डाउनलोड करके रखना है। और साथ ही साथ मैजेस को, तो ये हम लोग CDS प्रोफाइल और बाकी सारी चीज़ें चेक करने के लिए इसको मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सारी फाइल्स को आप लोगों को शिफ्ट करना है SD कार्ड के अंदर, जिससे मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। और जैसे आप लोग इन सबको SD कार्ड के अंदर शिफ्ट कर लेते हो, आप लोगों को करना है रिबूट टू रिकवरी। तो अभी के लिए हम लोग जाएंगे रिकवरी में, तो मैं डायरेक्टली रीस्टार्ट टैप करके वॉल्यूम डाउन बटन दबा के रख रहा हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग पहले फ़ोन को स्विच ऑफ करो एंड देन आप लोग पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को दबा के रखो, तो फिर आप लोग बूट कर जाओगे रिकवरी के अंदर। तो इसको अब हम लोग बूट होने रहते हैं। सो एज यू कैन सी गाइस, हम लोग बूट कर चुके हैं TWRP के अंदर। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोग को, यहाँ पे आप लोग को लेटेस्ट TWRP यूज़ करनी है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग कैसे अपडेट कर पाओगे अपने TWRP को, तो फिर आप लोग को एक लिंक नीचे मिल जाएगी वीडियो की, आप लोग उसको रेफर कर सकते हो। नहीं तो आप लोग को ऊपर टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एक आई कार्ड आ रहा होगा, आप लोग उसको टैप करके वो वीडियो फॉलो कर सकते हो, तो उससे आप लोग अपने TWRP को अपडेट कर पाओगे। वेल, यहाँ पे अभी हम लोग आ जाते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। और सबसे पहले आप लोगों को जाना है यहाँ पे वाई, और जाना है आप लोगों को फॉर्मेट डेटा, यहाँ पे टाइप करना है यस और कर देना है एंटर। तो यहाँ पे आपकी इंटरनेट स्टोरेज यहाँ पे पूरी तरह से साफ हो जाएगी, तो बेटर ये रहेगा कि आप लोग अपने इंटरनेट का बैकअप लेके रखो। टाइप करना है आप लोगों को होम, टाइप करना है बैकअप, टैप करना है सेलेक्ट स्टोरेज SD कार्ड एंड देन ओके। यहाँ पे सारे पार्टीशन को आप लोग सेलेक्ट करके साइड टू बैकअप कर सकते हो। वेल, एक चीज़ यही मैं कहूँगा कि अगर आप लोग के पास पाई बीटा या फिर ओरियो 120 या फिर आप लोग के पास स्टॉक एंड्रॉयड 10 की फाइल है, तो फिर आप लोग उसको फ्लैश करके स्टॉक रॉम पे जा सकते हो। नहीं तो अगर आप लोग किसी दूसरे रॉम के ऊपर दे, तो फिर आप लोग उसी रॉम को वापस से रीफ्लैश कर दो, तो आप लोग ओरिजिनल रॉम के चले जाओगे जो आप लोगों के पास पहले से थी। जैसे ही आप लोग कर लेते हो बैकअप, आप लोग को टैप करना है यहाँ पे होम, टैप करना है वाइप, टैप करना एडवांस वाइप, सेलेक्ट करना है डेलवेक सिस्टम वेंडर डेटा और कैश। ये 5 पोजीशन सेलेक्ट करके आप लोग कर देना वाइप। जैसे ही वाइप हो जाता है, आप लोग को टैप करना है यहाँ पे होम, टैप करना इंस्टॉल, टैप करना सेलेक्ट स्टोरेज SD कार्ड एंड देन ओके कर देना है। अब हम लोग को यहाँ पे वहाँ पे जाना है जहाँ पे आप लोगों ने सारे फाइल्स को रखा है। तो मैंने यहाँ पे SD कार्ड के ऊपर रखा था और यहाँ पे मेरी सारे फाइल्स दिखने लगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को सेलेक्ट करना है फर्मवेयर और फिर हमें ऐड मोर ज़िप्स, एरो ओएस की फाइल को सिलेक्ट करना है, एड मोर ज़िप्स एंड देन ओपन गैप्स की फाइल को सिलेक्ट करके आप लोगों को कर देना है फ्लैश। वेल, मैं मैजेस के यहाँ पे फ्लैश इसलिए नहीं करता क्योंकि बूट लूप हो सकता है, तो मैजेस का आप लोग जैसे रॉम बूट हो जाता है उसके बाद आप लोग फ्लैश करना। तो इसको अभी हम लोग फ्लैश कर देते हैं। सो गाइस, यहाँ पे एरो ओएस पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है और हम लोग को यहाँ पे टैप करना है रीबूट सिस्टम और हम लोग बूट कर जाएंगे एरो ओएस के अंदर। तो इसको फर्स्ट बूट के लिए नॉर्मली 3 से 4 मिनट लगने से, तो इसको अब हम लोग बूट करने लगते हैं। तो गाइस, यहाँ पे एरो ओएस बूट हो चुका है और अब हम लोग कर देते हैं यहाँ पे स्किप। मेरा सिम भी यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है लेकिन नेटवर्क पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, शायद से कवरेज नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ स्किप।
तो गाइस यहां पे अभी हम लोग बूट कर चुके हैं एरो ओएस के अंदर, ये रहा फर्स्ट लुक। और यहां पे थोड़े बहुत तो मैसेजेस भी आ गए। वेल ताजुब की बात ये है कि मेरा जियो का सिम है और इसके ऊपर एयरटेल का मैसेज आ रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं, साइड में रखते हैं और चलते हैं अभी हम लोग सेटिंग्स के अंदर। तो यहां पे आप लोग डिस्प्ले के अंदर जाओगे तो थोड़ी बहुत चीजें आप लोग यहां पे चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग यहां पे डार्क थीम को शेड्यूल कर सकते हो और साथ साथ स्टेटस बार और वेदर चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जेस्चर्स और बटन्स आप लोगों को मिल जाता है ऑप्शन, फिर आप लोग उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। वेल यहाँ पे अभी हम लोग चलते हैं अबाउट फ़ोन के अंदर, और यहाँ पे जाएंगे हम लोग फर्मवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर। एंड्रॉयड वर्जन 10 है, अनऑफिशियल वर्जन है iOS का, और सिक्योरिटी पैच जो है वो 5th जून का है, तो लेटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे आप लोग को यही सब मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कि CTS प्रोफाइल और बाकी सारी चीज़ें काम कर रही हैं फिर नहीं, और इसके छोटे से एक रिव्यू के बारे में। सो गाइस अभी आप लोगों ने देख लिया कि आप लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हो इस एरो ओएस को अपने मैक्स M1 के ऊपर। सो बात कर लेते हैं इसके एक शॉर्ट रिव्यू के बारे में। और इसके पहले मैं स्टॉक ओरियो 120 के ऊपर था, तो उसके ऊपर मुझे तीन चीजें काफी ज्यादा पसंद आई थी। एक थी बैटरी बैकअप, उसके ऊपर नॉर्मली मुझे 7 से 8 घंटे तक का स्क्रीन टाइम मिल जाता था कैजुअल यूजेज के ऊपर। सेकंड, मुझे परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी लगी थी अगर आप लोग Zen UI को डीप लोड कर देते हो रूट की मदद से। और थर्ड यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि उसके ऊपर जो ऑडियो क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, मतलब कि उसके अंदर बेस और जो लाउडनेस थी वो मुझे ठीक ठाक लग रही थी। लेकिन जब मैंने एरो ओएस के ऊपर स्विच किया, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी की, तो एरो ओएस के अंदर एक चीज ये है कि उसके अंदर हम लोग को लाउडनेस और क्लैरिटी दोनों काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। अगर आप लोग बात करते हो यहाँ पे स्पीकर से और साथ ही साथ अगर हेडफोन जैक से, तो यहाँ पे जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, आप लोग को एक एक चीज अच्छे से सुनाई दे जाती है। और यहाँ पे डिस्टॉर्शन उतना ज्यादा नहीं है अगर आप लोग हाई वॉल्यूम के ऊपर जाते हो। तो अगर आप लोग एक म्यूजिक लवर हो तो फिर आप लोग इस रॉम को यूज कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा इशू मैं ये कह सकता हूँ, बेस जो है वो कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम है, तो फिर आप लोग उसको जो इनबिल्ट इक्वलाइजर है उसके अंदर थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, वो कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोगों को इसके ऊपर काफी अच्छा साउंड आउटपुट मिलता है। तो फिर अगर आप लोग एक म्यूजिक लवर हो, अगर आप चाहते हो कि कोई भी कस्टम रॉम यूज करो, तो इस वाले कस्टम रॉम को आप लोग ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की, यस परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन डे वन तक मैंने इसको 1.5 दिन तक यूज किया, और मैं सच बता रहा हूँ पहले दिन इसके ऊपर परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी, एप्स जो थे एकदम स्नैप में ओपन हो रहे थे। और यहाँ पे जैसे मैं 2 पे आया तो फिर हर एक चीज लैग ही होने लगी, मतलब कि मैं एप्स ओपन कर रहा हूँ उसके ऊपर जो एनिमेशन रहता है वो काफी ज्यादा लैग हो के आ रहा था। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे होम के ऊपर जाना था, फिर मैंने होम के ऊपर ऐसे स्वाइप किया, तो फिर वो ऐप भी अपना मतलब लैग हो के वो आइकन में बदल रहा था। तो ये एक छोटा सा इशू लगा मुझे कि इसके ऊपर लैग्स हैं, लेकिन 2 पे मुझे देखने के लिए मिले। एक और चीज यहाँ पे थर्मल मैनेजमेंट की अगर बात करता हूँ, तो फिर यहाँ पे जो टेम्परेचर है 1 के दिन काफी ज्यादा था, ये देख सकते हो आप लोग स्क्रीनशॉट, ये मैंने जस्ट अपने फोन को चार्ज पे लगाया था, तो फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 48 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इसका टेम्परेचर है। और इसी की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप फोन जो है बंद पड़ जाता है, रैंडम रिबूट्स इसके ऊपर है। तो फिर टेम्परेचर अगर आपको लोअर डाउन करना है तो फिर आप लोग इसको यूज मत करो थोड़े टाइम के लिए, या फिर कोई दूसरा रॉम ट्राई कर लो। इस रॉम को अगर आप लोग सोच रहे हो कि ठीक है ये कूल चलेगा, नहीं ये बहुत ज्यादा गर्म है। लेकिन 2 की अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो फिर 2 में ऐसा लग रहा था कि सारे इश्यूज फिक्स हो चुके हैं, लेकिन लैग्स आ गए थे। तो यहाँ पे ये एक काफी अजीब सा इशू है कि 1 के दिन परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही थी, 2 के दिन एकदम कचरा हो गई। फिर बाद में थर्मल्स की अगर बात करते हैं, तो 1 के दिन काफी ज्यादा थर्मल्स थे, मतलब टेम्परेचर काफी ज्यादा था, और 2 के दिन एकदम कंट्रोल्ड। तो एक यही चीज रहेगी अगर आप लोग इस रॉम को ट्राई कर रहे हो, तो परफॉर्मेंस इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी एवरेज से मिल सकती है आप लोगों को। मैं दोनों दिन का कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, एवरेज से मिल सकती है, और साथ ही साथ आप लोगों को थर्मल मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग बैटरी बैकअप की, तो फिर यहाँ पे मैंने 1.5 दिन तक यूज किया, तो फिर उसके अंदर एक ही दिन का मेरे पास यहाँ पे पूरा ऐसे यूजेज है। तो फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट, ये एक दिन का ही है, और यहाँ पे 6 hours 45 minutes यहाँ पे मुझे स्क्रीन टाइम मिल रहा है, 3% बची हुई बैटरी। तो फिर मैं कह सकता हूँ अच्छी बात है, यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है वो हैवक ओएस से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, और एक्चुअली इनिशियल बिल्ड है तो फिर उसको देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छी है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे चार्ज स्पीड्स की, तो फिर मैंने इसको टोटली अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया था, मतलब कि जब मैं इसको चार्ज कर रहा था तब आई थिंक मैं एप्स को सेटअप कर रहा था,
तो यहाँ पे मैंने इसको सुबह 6 बजे चार्ज पे लगाया और फिर बाद में आई थिंक 8:30 या फिर 8:40 के आसपास मैंने इसको वापस जाके चेक करा तो ये 100% पूरा चार्ज हो चुका था। फिर नॉर्मली आप लोगों को 2 घंटा 30 मिनट या फिर 2 घंटा 40 मिनट लग सकता है इसको टोटली चार्ज करने के लिए, जो स्टॉक केबल है और स्टॉक चार्जर है उससे। तो इसके ऊपर आप बात कर लेते हैं कि CTS प्रोफाइल और डिवाइस सर्टिफिकेशन का क्या हाल है। तो यहाँ पे मैंने Magic 20.4 के साथ यहाँ पे CTS प्रोफाइल चेक करा था, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन शॉट, तो यहाँ पे ये पास दिखा रहा है और साथ ही साथ डिवाइस सर्टिफिकेशन जो है वो यहाँ पे प्ले स्टोर के अंदर सर्टिफाइड है। तो यहाँ पे कुछ भी इश्यूज नहीं होने चाहिए बैंकिंग एप्स के साथ अगर आप लोग यूज करते हो तो, और अगर आप लोग ये बैंकिंग एप्स काम नहीं करते तो फिर आप लोग मैजिक हाइड यूज करके देखो तो फिर शायद से वो इश्यू फिक्स हो जाए। एक और चीज यहाँ पे बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की। तो फिर यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो स्पीड्स हैं अब तक मैंने जितने भी रॉम्स ट्राई करे इस मैक्स M1 के ऊपर उनमें काफी ज्यादा फास्टेस्ट है, और मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो स्पीड मिल रही है वो हम लोग को बाकी रॉम्स के ऊपर भी देखने के लिए, फॉर एग्जांपल पिक्सल एक्सपीरियंस और साथ साथ एवोल्यूशन एक्स, आयोन ओएस, इन सारे के सारे रॉम्स के ऊपर हम लोग को ऐसी स्पीड देखने के लिए मिले। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपने स्क्रीन के ऊपर कितना फास्ट है, जैसे टैप करता हूँ वैसे अनलॉक हो जाता है। और एक साइड बाय साइड कंपैरिजन भी देख लो आप लोग की, एवोल्यूशन एक्स आप लोग को राइट साइड में दिख रहा रहेगा और साथ साथ एरो ओएस जो है वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो कंपैरिजन में आप लोग खुद बताओ कि ये कैसा है, मतलब एरो ओएस यहाँ पे फास्ट है या फिर आप लोगों को लग रहा है कि अभी भी स्लो है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। सो आई गेस इस वीडियो के अंदर इतना ही होगा। वेल, एक और चीज मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, अगर इस फोन के लिए पायर रॉम्स बने जो काफी हद तक एंड्रॉइड 10 रॉम्स से स्टेबल हो, ज्यादा स्मूथ हो, तो क्या आप उन सबको यूज करना पसंद करोगे एंड्रॉइड 10 की जगह, मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, तब मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूँ। और इस वीडियो के अंदर इतना ही था, लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को, कुछ भी हो आप लोगों के मन में तो फिर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप तो है ही अपना, तो फिर वहाँ पे भी पूछ सकते हो। सो या गाइस, इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मिलता हूं आप लोगों को नई वीडियो के अंदर एक नए रॉम रिव्यू या फिर एक नए GSI रिव्यू या फिर एक नए अपडेट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय टाटा, सी यू, मिलता आप लोगों नई वीडियो के अंदर। लॉकडाउन चल रहा है, घर पे रहो, स्टे होम स्टे सेफ, और चाइनीज वायरस को भी निकाल दो। बाय।